मैम पापा रूम के अंदर है, पिछले कई घंटों से रूम का दरवाजा बंद करके डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या? अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर वो दरवाजा नहीं खुला तो हम क्या करेंगे फिर? देखिए किसी को या तो अंदर जाना होगा या उन्हें बाहर लाना होगा, वरना हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। ओहो, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हूं, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक आइडिया है, क्यों ना थोड़ी सी ड्रिंक ले लूं, थोड़ा सुरूर भी बन जाएगा और हिम्मत भी हो जाएगी। हाँ ये ठीक रहेगा। बाप रे बहुत मुश्किल है, इतना कोशिश करने पे भी नहीं आ रहा। उस रूम में घुसने का कोई और तरीका है? हाँ हम पीछे की गैलरी से अंदर जा सकते हैं रूम में। ओके बहुत बढ़िया, कौन जाएगा फिर? आप क्या यहीं कर रही हैं? गुलगप्पा खाखा के गुलगप्पा हो गई, हाथी के रिंग में से नहीं कूदना है। हाँ थोड़ा तो लिहाज कीजिए, कहाँ जा रही हैं आप? वहाँ पे कितनी बार बोला कम खाया करो, आप जाएंगी वहाँ पे जंग लड़ने आप अकेले? आप अपने काम से काम रखिए ना। हाँ खुद का अपना जीरो फिगर मेंटेन कर रही है ना, इसलिए बच्चा पैदा नहीं कर रही ना। हाँ हमें दादी नहीं बनाया आज तक, हमारे लल्ला को बाप बनने का सुख नहीं दिया, हमारे लल्ला की तो भाग फूट। बस कीजिए, वहां जाकर खड़ी हो जाइए, जाइए जल्दी जाइए। थोड़ा देखिए करिश्मा सिंह, आप और संतोष शर्मा, आप दोनों जाएंगे रूम के अंदर, रिकॉर्ड करेंगे और बाहर आएंगे। क्लियर जी? चलो संतोष, चलो। प्यास लग रही मैडम से, पहले पानी। संतोष शर्मा, अगर हमने उनका वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया होना डांस करते हुए, तो हमारे इस पूरे प्लान का कोई मतलब नहीं है। आप प्लीज वापस आकर पानी पी लीजिएगा, अभी जाइए। चलो चलो जाइए जाइए, जल्दी जाइए। कोक भी बनाओगे ना? हाँ हाँ सब। पानी चाहिए। प्योर वाटर थाने में नहीं मिलता, तुम ही तो बोल रही हो। चाचा का घर नहीं है तुम्हारे, उठो यहाँ से, उठो 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 उठो। फंस गए, फंस गई। हाँ करिश्मा सिंह, क्या हुआ? मैडम सर कुछ दिक्कत सा हो रहा है हमको। दिक्कत? क्या दिक्कत? ऐसा मैडम सर सब घूम रहा है। कौन, आचार्य? नहीं नहीं हमारा सर घूम रहा है मैडम सर, थोड़ा चक्कर सा आ रहा है हमको, पता नहीं कुछ अजीब सा, और हमको लग रहा है भूकंप आ रहा है इनके घर पे मैडम सर। जब से ये पानी पिया ना यार, तो उसके बाद से सब कुछ हो रहा है ना अजीब अजीब सा। प्योर वाटर? नहीं नहीं एक मिनट, कौन सा पानी? वो आचार्य जी का पानी पिया था, उसके बाद से थोड़ा मैडम सर पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब 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 सा हो रहा है। हेलो मैडम सर, हेलो। बैठ जाओ मैडम, आप बैठ जाओ। क्या
चलो चलो यहाँ से, चलो 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 यहाँ से चले। उनको डांस सिखा दूँ एक बार में, उनको डांस सिखाएंगे। चलो। अरे क्या हुआ? अरे आता हूँ आता हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? मरी क्या हुआ? पापा पापा बाहर ही ना, मुझे आपसे काम है। अरे मेरा काम अधूरा, रुको ना। अरे मुझे करने दो। पापा देखो मुझे ना आपसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप बाद में कर लेना ना। नहीं ना पापा। अरे पापा चल। अरे क्या हो गया तुम्हें? फॉर यू, तुम क्या टोपा गए हो क्या? चलो पच्चीसवीं मंजिल पे कब आए? पच्चीसवीं मंजिल पे हम कब आए? देखो सब एकदम छोटे छोटे चीटी की तरह लग रहे हैं, छोटे छोटे मेरे कान की तरह छोटे छोटे। ये वो चीटी ही है। हाँ चीटी ही है। हाँ और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं, पच्चीसवें माले पे नहीं। हाँ मैडम। कृष्णा मैडम देखो ऐसा है कि आ आ आ आ इधर हेडक्वार्टर ही क्वार्टर लेके हुआ है। आइए मैडम आइए। तू पीके आया क्या? रुक कृष्णा भाई, तो हमारे साथ खेलने वाला खेल है। लड़े खाओ, तुम्हारा दिमाग खराब होता जा रहा है। चलो उठिए 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 संतु जी। बाप रे ये सब हमारे साथ खेलने वाला। अरे हाँ हाँ बहुत बेहतरीन। आई आई चलो चलो कुछ। आई मैडम बा बेटी ये सब हो क्या रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे देखकर ही हंस रहे? देखो अगर ऐसा है तो मैं एक एक की छुट्टी कर दूंगा। पापा एक मिनट आप रुकिए, इसकी वजह से सब लोग हंस रहे हैं। ये देखिए आपके डांस का वीडियो वायरल हो गया है। वाह प्रोफेसर साहब, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। ऊपर से कुनैन, अंदर से ए मेरे दिल के चैन। नहीं हमें नहीं पता था कि आप भी ये टैलेंट रखते हैं। तो प्रिंसिपल साहब, आपने अपने प्रोफेसर मिस्टर राहुल वर्मा को इसलिए निकाला था ना, क्योंकि उनका एक नागिन डांस वाला पर्सनल वीडियो वायरल हो गया था, उससे आपके कॉलेज की इमेज खराब हो रही थी। तब आपने भी तो वही काम किया है, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? इस्तीफा? मैं इस्तीफा क्यों दूं? हाँ? अरे जो भी हमने किया वो ठीक किया, हमने अपने घर में किया, हमारा निजी कक्ष है वो, हमारा अपना निजी जीवन, हम अपने निजी जीवन में कुछ भी करें, उससे किसी का क्या लेने देना। मतलब आपका निजी जीवन हो जाता है, किसी और का निजी जीवन का कुछ निजी नहीं होता है? मतलब कोई अपने भाई की शादी में जाके एंजॉय नहीं कर सकता, खुशी नहीं बांट सकता? आप करे तो सब ठीक, दूसरे करे तो गलत हो जाता है, ऐसा क्यों? मेक सेंस, ये सही कह रहे हैं। एक रूल दो लोगों के लिए अलग अलग कैसे हो सकता है पापा? शायद आप सभी लोग ठीक ही कह रहे हैं, सब गलती मेरी ही है। मैं अपने पद के अहंकार में बहकर बहुत बड़ी गलती कर गया, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आज समझ में आ रहा है मुझे, हर इंसान को दो जीवन जीना पड़ता है, एक औरों के लिए और एक अपने खुद के लिए। और हमें हर इंसान की निजता का सम्मान करना चाहिए, और वो जो औरों के लिए जीता है उसका भी सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आइए आइए। मैं आप सब लोगों से माफी मांगने से पहले प्रोफेसर राहुल वर्मा से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मेरे कारण इन्हें बहुत ही मानसिक कष्ट से जूझना पड़ा है। आज मैं इसी क्षण इन पर लगे हुए सारे आरोपों से इन्हें मुक्त करता हूं, और इन्हें सम्मान सहित इनके पद इनकी नौकरी पर बहाल भी करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राहुल वर्मा भी अपना बड़प्पन दिखाते हुए
हमारे इस कॉलेज को ज्वाइन करेंगे और मेरी गलती का जो पाप हुए उससे मुझे मुक्त भी करेंगे। I'm so happy. आज के बाद इस कॉलेज में किसी कला पर कोई रोक टोक नहीं होगी। आज के बाद इस कॉलेज का आसमान हर प्रतिभा के लिए खुला रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर एक बार फिर इस थाने की जादू की छड़ी ने अपना कमाल दिखा दिया, तो इस थाने की जादू की छड़ी के लिए ये तो बनता ही है। संतू, बहुत जल्द तुम्हारी शादी का योग नजर आ रहा है हमें। हमारी दूर दृष्टि से कह रहे हैं तुमको। पर आपकी दूर दृष्टि तो कमजोर है ना। हम अगर हाथ तो पास से देख रहे हैं ना। जब संतु जी के बारे में आप इतना कुछ बता ही रही हैं, तो ये भी बता दीजिए ना कि संतु जी के लिए लड़का कौन होगा। लड़का यही आस पास का ही है। शुक्रिया। लेकिन वो प्रपोज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके मुंह में दही जमा हुआ है। मत पड़िए, मत पड़िए, इनके चक्कर में मत पड़िए। रात को नींद नहीं आता है ना, तो पाम स्टिक देख देख के अपना टाइम पास करती हैं, तुम पे हाथ साफ कर रही हैं और कुछ बात नहीं है। पुष्पा जी, ऐसा नहीं है, हम बता सकते हैं आगे क्या होगा। अच्छा पुष्पा जी, जब आपको सब पता है कि आगे क्या होगा, तो बार बार करिश्मा मैडम को क्यों परेशान करती है कि लल्ला का लल्ला कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तुम हमारी ज्योतिष विद्या पर शक कर रही हो। हाँ मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद, सब ठीक। ओके, अब मैडम सर को फोन आएगा। इनकी अम्मी का है। हाँ अम्मी बोलिए। आपको कैसे पता चला? अरे समय से बहुत आगे चले गए हैं हम, हमें सब पता है आगे क्या होगा। इनकी अम्मी की तबीयत ढीली है। अरे ऐसे कैसे, अचानक से बीपी कैसे बढ़ सकता है? ये गणित आपका है पुष्पा जी। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ माफ कीजिए लेकिन हमें जाना होगा, हमारी अम्मी की दरअसल जो ठीक है, नहीं है तबीयत, आपको जाना होगा, हम भी चलते हैं आपके साथ, चलिए। एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि अम्मी की तबीयत खराब हो गई है? मैडम सर आप भी ना, कोई फोन करके थोड़ी ना बताएगा कि हमारी तबीयत ठीक है। हाँ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए फोन किया होगा ना, तो हम ऐसे आ रहे थे। चलिए चलिए, देर हो रही है हमें। हाँ ये बात भी सही, आप लोग मैनेज कर लेंगे। हाँ 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 ठीक है, चलिए चलिए मैडम सर, लेट हो रहा है। ज्योतिष विद्या विभूषित माओ हो, काम किसी को करना नहीं है। हेलो हेलो, महिला थाना जनपद लखनऊ। हाँ हम करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। मारो नाम तनुज है। आपके थाने में ना अभी एक बाप और बेटे की जोड़ी आएगी, वो मेरे पति और ससुर है। एक रिक्वेस्ट है आपसे करिश्मा मैडम, आप ना उनका ये केस लिखना नहीं, आपको जो भी चाहिए रहेगा ना आप ले लेना, बस मैडम ये कंप्लेंट मत लिखना। सुनो सुनो, यहाँ शिकायत ना केस के हिसाब से दर्ज होती है, लेने देने के हिसाब से नहीं, समझ रहे हमारी बात को? और 10 सेकंड से ज्यादा किसी का बकवास झेल नहीं पाते हम, रखो तुम। मैडम आइए, चाहिए मैडम ये। जय श्री कृष्ण। लग तो बाप बेटा ही रहे। जय श्री कृष्ण, आप बाप बेटे हैं ना? चोरी का कंप्लेन लिखाने आया ना आप? आपको कैसे पता चला? मुझे बताइए, टेल मी आस एंड व्हाट इज द चोरी, कैसे कब कहा हुआ है, मॉडस ऑपरेंडी, व्हाट इज दिस? हो गया तुम्हारा? ओके
ओके जी बताइए कब और कहाँ हुई चोरी? मैडम वाजण एम बनी ने के गई कल रात हमारा घर में चोरी थी गई। एक मिनट भैया 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 इस संथाल से है, इससे संथाली में आपसे बात करवाएंगे तो आपके कुछ समझ में आएगा? नहीं 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 ना तो हिंदी बोलना यार, बोलना हिंदी। हाँ मैडम वाजण एम बनी ने के हमारा घर में गई कल रात ना चोरी थी, चोर आया फिर चोर सीधा खिड़की से सीधा किचन की तरफ गया, फिर किचन से सीधा हॉल की तरफ गया, फिर हॉल से सीधा हमारा बेडरूम दिखा तो बेडरूम की तरफ गया, और फिर मैडम अलमारी दिखा और अलमारी की तरफ देखते उसकी आंखें चार हो गई, फिर अलमारी को खोलता है फिर पूरा सफा जंगाल पूरा हमारा गया मैडम, 12,342 रुपया। 12,342 रुपया कितना होता है? 12,342। हाँ तो चाचा यही हिंदी में बोलने का कितना रुपया लीजिएगा आप? अरे पूरा 9 तोला सोनू पर गयू मैडम। सोनू पर सोनू सोना मैडम, हमारा सुख चैन शांति हमारा संतोष। संतोष कैसे? संतोष जी तो यहीं पर। संतोष यहीं पर हूँ। ए बेन हमारा मन का सुख चैन शांति संतोष सब उड़ के चला गया। ये चोरी कहाँ हुई थी आप एड्रेस बताएंगे? हाँ शहादतगंज। शहादतगंज मुझे पता है, शहादतगंज के जो चोर उचक्के हैं सबको मैं पहचानता हूँ, उनके डिटेल मेरे पास है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास है, सबसे मेरी बात होती है, और वहाँ का चोर है बाबान। ये पुलिस है कि चोर? कपड़ों से तो चोर लग रहा है। चोर था 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 था। चीते बिल्लू को बाहर की हवा खिला खिला। चल चल बोल चल। एक मिनट आप लोग चोर मिल जाएगा, चोर को ढूंढने का जिम्मेदारी हमारा है, आप लोग घर जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। चल चल ये संताल का। चल चल वहीं से घुमा कर लाते हैं। चल ना यार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दिमाग का दही कर देता है ये बिल्ले। हेलो महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, आपको कोई ढूंढ रहा है, तुम जाके चोर को ढूंढो। ओके हेलो। हेलो जी मैडम जी, मैं तनु मेरे पति या ससुर छे कि गए? हाँ गए, बताइए। जी मैडम जी मैं प्लीज कह रही हूँ ये केस सॉल्व मत करना, आप और मैं आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं ना। 10 सेकंड से ज्यादा हम बकवास नहीं सुनते हैं, बार बार नहीं बोलेंगे आपको। मैडम जी मैं क्या, पुलिस बैठेगी और ये विरुद्ध स्पाय काम करेगा, 2 मिनट में पकड़ूंगा आपके सामने ला के खड़ा कर दूंगा, आप जस्ट चल चल चल। अच्छा तो पुलिस का काम अगर चोर करेगा तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? पुलिस चोर पकड़ेगी। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। सुना नहीं? अरे हम लोग पकड़ेंगे, तुम ऐसे ही बैठ के टाइम पास करते रहो। ओहो टाइम पास क्या बोल रहा है ये, आपने सुना ना? संतोष जी मैं कह रहा हूँ किसी को उसके काम से नहीं उसके टैलेंट से नापना चाहिए, एंड माय टैलेंट इज वेरी हाई, आई एम ब्लू टू स्पाय, तो चोर को मैं पकड़ के लाऊंगा। अच्छा तो फिर बिलू जी हम यहाँ बैठ के लूडो खेल ले। अच्छा चल ठीक है, तुमको पकड़ने का मन ही है ना तो लग गया सर्च, हम दोनों में से यानी चोर और पुलिस में से जो भी चोर को पहले पकड़ेगा तो सर्च जीत जाएगा, बोल लगा शर्त। अच्छा ठीक है लगी शर्त। एक सेकेंड ये क्या कर रहे हैं? रुको। ओह माय गॉड। रेडी? रेस। 1, 2, 3। जीते। ओह संतोष जी चला गया बिना। कहाँ जा रहा है? अरे संतोष जी पहले चोर पकड़ लेगा। एक सेकंड सुन। उनको जाने दे। उनका फोन ट्रेस करूंगे, फिर उनसे जाके पहले हम चोर को पकड़ लेंगे। संतोष जी आपका दिमाग एरोप्लेन से भी तेज चलता है, गजब यार। एरोप्लेन चलता नहीं उड़ता है। अबे ये झापड़ी का भाग क्यों नहीं रहा है? हमने कहा था ना कहीं नहीं जाएगा, टाइम पास करेगा ये फालतू है पूरी। करिश्मा मैडम तुम तनु हो क्या जो हमें फोन किया था? वो तुमने किया था? जी मैडम। वो मैडम आपको ना चोर को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया वो हो गया ना। मतलब जो गया वो गया, इतना दानवीर कोई नहीं है इस कलयुग में, कहीं तुम्हारे चाचा मामा ताऊ से तुमने चोरी तो नहीं करवाया? चलो तुम्हें अंदर डाले। नहीं, चलो। नहीं नहीं मैडम मेरी बात तो सुनिए मैडम। का सुने? मैं चोर को पकड़ने से मना कर रही हूँ क्योंकि क्योंकि क्यों? उसमें जो सामान है अगर वो मेरे ससुराल वालों के हाथ लग गया तो
तो मेरा बसा बसाया घर टूट जाएगा मैडम। ऐसा का समान है उनके पास कि तुम्हारा शादी टूट? ए, तुम्हारा अफेयर तो नहीं चल रहा है किसी के साथ? तुम्हारा फोटो तो नहीं है उसमें? अरे नहीं मैडम। तो वो मैडम उस सामान में मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। तो उसमें मेरी असल उम्र लिखी हुई है। तो क्या दिक्कत है? हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रही हो तुम। मैडम वो गणित ऐसा है कि मैंने उनको झूठू बोला है कि मैं अभी 28 की हूँ, जबकि मेरी असल एज तो 33 है ना। अब मेरी शादीशुदा लाइफ को बर्बाद होने से आप ही मुझे बचा सकती हैं। अजीब समस्या है। ड्यूटी करेंगे तो इसका शादी पर आ जाएगा, और अगर इसका मदद की तो ड्यूटी के साथ गद्दारी होगा। क्या करें? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.